हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर मेरिट लिस्ट किस तरीके से चेक करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा, इंटरफेस समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ कॉलेज की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग आते हैं एल एस रहेजा कॉलेज की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडमिशन पर देखना है। यहाँ पर एडमिशन पर आपको अलग से एक टैब दिखेगा। एडमिशन के टैब के नीचे चार लिस्ट में से लास्ट जो रहेगा वो होगा मेरिट लिस्ट। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ने एडमिशंस के अंदर ही मेरिट लिस्ट को इन्वॉल्व किया हुआ है। अब मेरिट लिस्ट में उन्होंने हर एक कोर्सेज के अलग अलग मेरिट लिस्ट के लिए अलग अलग PDF है। तो वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, अगर आप वहाँ पर हैंड का सिम्बॉल आ रहा है मतलब वो एक्टिव है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप FIBCOM पर क्लिक करोगे तो आपके सामने FIBCOM की वेबसाइट ओपन, यानी FIBCOM की PDF पूरी ओपन हो जाएगी और आप अपने कॉलेज का अपना नाम को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं RD नेशनल की वेबसाइट पर। यहाँ पर एडमिशन केस में मेरिट लिस्ट दिया तो है लेकिन ये मेरिट लिस्ट देखिए एक्टिव नहीं है, तो हो सकता है आने वाले 1 या 2 घंटे में एक्टिव हो जाए। तो इस तरीके से कोई वेबसाइट अंडर प्रोसेस होगी। उसके बाद हम लोग आते हैं मिठीबाई कॉलेज की वेबसाइट पर। यहाँ पर एकेडमिक में नहीं दिया है, यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड में दिया है, यानी या तो आपको एडमिशन के टाइम में दिया होगा या तो आपको नोटिस बोर्ड के टाइम में दिया होगा। वहाँ पर मेरिट लिस्ट पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप मेरिट लिस्ट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके फोल्डर और जहाँ पर हैंड सिम्बॉल आ रहा है मतलब वो लिंक एक्टिव है, वहाँ से आप PDF देख सकते हो। तो इस तरीके से अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा NM कॉलेज। तो NM कॉलेज में हम जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस देखने का यहाँ पर एडमिशन के टाइम में आपको जाना है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मेरिट लिस्ट का है। मेरिट लिस्ट में जूनियर कॉलेज डिग्री एंड MCOM, तो आपको डिग्री कॉलेजेस पर क्लिक करना है। जैसे आप डिग्री कॉलेजेस पर क्लिक करोगे तो कभी कभी वेबसाइट रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर आ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर नीचे PDF भी दिखाई देगा। ठीक है, वापस मैंने वाला एडमिट देखिए, यहाँ पे सारे PDF सबको यहाँ पर, तो जहाँ पर हैंड शो हो रहा है इसका मतलब लिंक एक्टिव है, आप अपने PDF को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम लोग चेक करें तो कोई कोई कॉलेजेस ने क्या क्या सामने ही उन्होंने PDF शो किया। जैसे चेतना कॉलेज की वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो डिग्री कॉलेजेस का फर्स्ट पेज पर उन्होंने शोकेस किया है। तो हर कॉलेज का वेबसाइट अलग अलग होता है, हर कॉलेज की वेबसाइट पर शो करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई एडमिशन टैब में डाल रहा है, कोई नोटिस बोर्ड पर, कोई डायरेक्टली शो कर रहा है। तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज का फर्स्ट लिस्ट आप चेक कर लीजिए, क्लिक करके आराम से आपको पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ पर इंटरफेस में पहले ही लिखा गया था। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, हो सकता है वो भी मेरिट लिस्ट देखने के लिए परेशान हो। और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल पर, अगर आप पहली बार आते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।